आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है। आपको पता है कि कल हमने अपने सारे सीटें जो टिकट अवार्ड कर दिए थे उनको हमने अपलोड कर दिया था, एक्सेप्ट वकीलों साहिबान की जो कुछ सीटें थी उसमें कंसल्टेशन बाकी है, वो कंप्लीट है सब कुछ हमारा। आज इंशाल्लाह ताला फाइनल लिस्ट हमारी अपलोड हो जाएगी और खान साहब के हिदायत के मुताबिक इंशाल्लाह ताला पार्टी फुल फ्लेज के साथ सैटरडे से इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेगी। सारे पीटीआई के कैंडिडेट को दरखास्त है कि सैटरडे से हफ्ते वाले दिन से अपने फुल कैंपेन के साथ हर कंस्टिट्यूएंसी में निकले और आवाम के पास जाएं, फुरमन रहे, आवाम से वोट मांगे, उनकी खिदमत के लिए तैयार हो जाए, जो भी सख्तियां बीच में आ जाती हैं उनको बर्दाश्त करे। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को कामयाबी आपकी होगी। खान साहब की तरफ से पैगाम है, आप घबराए नहीं, आप हिम्मत न हारे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने कैंपेन पे फोकस रख के अपने जाती इख्तलाफात को बुलाएं, आप तवज्जो के साथ अपने कैंपेन में हिस्सा ले, इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपकी होगी। आज के लिए इतना ही मुख्तसर है, अल्लाह साहब का कोई क्वेश्चन हो। वरिष्ठ साहब, आज के गुज़श्ता रोज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया पीटीआई की जानिब से, इसमें कहा गया कि फिर फौर मोहम्मद साहब तमाम तरह का मुअत्तल कर दिए, उनको तलब किया गया क्या? देखो, हमारी जो जाती चीजें ना उन पे ज्यादा फोकस ना करें, वो हम आपस में तो ये कर लेंगे, लेकिन एनीवे मरवत साहब आए और दोबारा जाएंगे, पंजाब में भी जाएंगे, केपी में भी जाएंगे, सर में भी जाएंगे और जरूर जाएंगे। इजाजत मिल गई है अमित खान साहब या बाकी दूसरे लोग अगर बयान देते हैं? देखो, नेशनल कोई क्वेश्चन हो वो करे, इंटर मैं हमारी जाती वाले भी चीजें। देखिए, हमारा मैक्सिमम जो टिकट बाकी थी वो 10 से 15 टिकटें थी, जिसमें कुछ ऐसी थी जो वकला की थी, वो इंशाल्लाह ताला बाकी वो हमने पिन रखा हुआ, वो हमारा सारा फाइनल हो गया, इंशाल्लाह आज 9 बजे से पहले पहले अपलोड हो जाएगा। कल इंशाल्लाह ताला सारे जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको निशानात के साथ, उनको दरख्वास्त है अपने निशानात हम तक पहुंचाएं, उनके निशानात के साथ इंशाल्लाह लिस्ट फाइनल हो जाएगी और हफ्ते वाले दिन से आनवर्ड पीटीआई का फुल फ्लेज कैंपेन शुरू होगा। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है, इमरान खान को जब इस हवाले से बताया गया तो उनका क्या मौकिफ है? खान साहब अपना मौकिफ दे चुके हैं, ईरान हमारा इस्लामी और बिरादरी मुल्क है, हमारी कशीदगी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन किसी सूरत पाकिस्तान दरअंदाजी का इजाजत नहीं दे सकता। हमारे फौज ने इफेक्टिव मैसिव रिस्पांस किया, अप्रोप्रिएट रिस्पांस किया, ऐसे सर्कमस्टांसेस में पूरी कौम फौज की शाना बशाना कड़ी होगी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की दरअंदाजी हर दरअंदाजी का मौसर जवाब देगी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि हर मौसर जो है ना आवाज जवाब वो इंशाल्लाह ताला देगी। गौर साहब, बताइएगा क्या आज आप जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब जो है जो भी कंपेन करेंगे उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा पीटीआई में से? नहीं, देखो, हमारे नोटिफिकेशनों की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ डायरेक्टली इन टच होते और हिदायत के मुताबिक जाते और हिदायत के मुताबिक ही आते हैं, वो इंशाल्लाह। लेट्स फोकस ऑन द नेशनल इशू। बिल्कुल, वो देखो कैंपेन में मैं आपको कह रहा हूँ, कराची गए थे कैंपेन के लिए, दोबारा सिंध जाएंगे, दोबारा पंजाब जाएंगे, दोबारा केपीके जाएंगे, फुल फ्लेज कैंपेन करेंगे। नहीं नहीं, मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात में हम इकट्ठे बैठे रहे। नहीं नहीं, मर्जी साथ नहीं गए, हमने बोला है, हमने देखे, मर्जी के साथ नहीं जाते, पूरी पार्टी के तंजीम के साथ जाते हैं, इजाजत के साथ जाते हैं। हमारी वहाँ जो तंजीम है, एक मिनट, हमारी जो वहाँ तंजीम है वो जो है ना उसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम करती है, वो लोग इख्तलाफात को हवा देने के लिए ऐसे करते हैं। मेरी इसलिए आपसे इल्तिमास है, आगे की तरफ जाए और कोई क्वेश्चन करें, जिसने आगे कोई क्वेश्चन करें। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी। जी, नहीं नहीं, शिबलिया शेखो, शिबली साहब और उमर साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और टोल प्रोसेस में मेहनत की है, बड़ी दिलजोई के साथ मेहनत की है, रात जो है ना सुबह इवन 4-4 बजे तक वो उन मेरे साथ इन टच होते हैं, हम इन टच होते हैं एक दूसरे के साथ, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, किसी पे कोई इल्जाम नहीं, यस वो हमेशा से रहे, लेकिन उन्होंने अकेले में कोई फैसला नहीं किया, पूरी तंजीम साथ है, कमेटियां साथ है, सारे लोग साथ है। लेकिन देखो, केपीके में कोई डिस्प्यूट नहीं है, बलूचिस्तान में कोई डिस्प्यूट नहीं है, सिंध में कोई डिस्प्यूट नहीं है, पंजाब के 141 नेशनल असेंबली की सीट है उसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं है, पंजाब के 297 है,
सिर्फ और सिर्फ ये 30-40 सीटें थी जो हम रिकंसिडर करना चाहते हैं। और आपको अच्छी तरह पता है जिस पार्टी की पॉपुलरिटी ज्यादा हो और विनिंग चांसेस ज्यादा हो तो सबसे ज्यादा लोग लाइन में लग करके टिकट के लिए आता है, इसलिए टिकटों में तकसीम में इंतखाब करना थोड़ा मुश्किल और सेंसिटिव प्रोसेस है, इसलिए इख्तिलाफात सामने आ जाते हैं। अदरवाइज इंशाल्लाह आज सारा कर फाइनल हो जाएगा। जेल के जो लोग चक्कर काट रहे हैं आपके कारकुनान, क्या उनकी भी सुनवाई होगी, उन्हें टिकट देंगे क्या? देखिए जो लोग चक्करे काट रहे हैं हम उनके जो खिदमात है उनके बड़े कदर के निगाह से देखते हैं, जिनको टिकट मिले उनको टिकट मिलेंगे, जिनको नहीं मिलेंगे हमारी सारी जो टिकट होल्डर के एस्पायरेंट है उनसे हमारा ये इल्तिजा है कि आप अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करें ताकि हम पार्टी को आगे लेके जा सकें। शुक्रिया जी। शराब दल मरवत की बात वजाहत देना चाहता हूँ वो ये है कि चेयरमैन साहब ने जो बातें कर दी है मैं तमाम बातों को दुरुस्त तस्लीम करता हूँ। तीन बातें वजाहत से खान साहब ने कही कि जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था खान साहब ने इसे लाइल्मी का इजहार किया कि वापसी का कि मैंने कोई ऐसी हिदायत नहीं दी है, नंबर वन। नंबर दो, खान साहब ने पूरी पार्टी पे जिम्मेदारी डाली है कि पंजाब में कंपेन करे और एक ही दिन पूरे पंजाब में निकले। मैंने खिदमात अफर करनी चाहिए खान साहब को कि मैं पंजाब में जाना चाहता हूँ, लेकिन खान साहब ने फैसला ये किया कि पंजाब खुद उठेगा। तीसरी बात यह है जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा केपी में और सिंध में और बलूचिस्तान में मैं कंपेन जारी रखूंगा, जहां पार्टी मुझे हुक्म करेगी पंजाब में जाने की मैं जाऊंगा। और आखिरी बात, रऊफ हसन साहब के हवाले से मैंने शिकवा किया, खान साहब ने अपनी नाराजगी बजरिए चेयरमैन साहब उनको कन्वे कर दी है।